बालक के जन्म के पश्चात 5 वर्ष की अवस्था शैशव काल कहलाती है, या इसको हम शैशवावस्था कहते हैं। बालक की इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है, या हम इसको बालक की निर्माणकारी अवस्था भी कह सकते हैं। इसी अवस्था में बालक के भावी जीवन का निर्धारण किया जा सकता है, बच्चे के जो आगामी जीवन का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इसी को दृष्टिपथ रखते हुए फ्रायड नामक विद्वान ने अपने मत रखते हुए कहा है कि मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। कहने का आशय यह है कि बालक को भविष्य में जो कुछ भी बनना है तो वह 5 साल की अवस्था है, इसी में उसके लक्षण उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं। यह जो अवस्था होती है बालक की अपरिपक्व अवस्था होती है और वह अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है। उसका जो व्यवहार है पूर्णतः प्रवृत्तियों पर डिपेंड करता है, क्योंकि मूलभूत प्रवृत्तियां कैसी, जैसे कि उसे भूख लगी मान लो तो वह किसी वस्तु को अपने मुंह में डालने लगता है, और यदि मान लो वह वस्तु उससे छुड़ा ली जाए तो वह रोने लगता है। इस तरह की प्रवृत्तियों पर उसका व्यवहार निर्भर करता है। वह अपनी जो संतुष्टि है वह तुरंत चाहता है, और जो सुख की चाहत है उसका एकमात्र ही यही प्रेरक है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक का जितना अधिक निर्देशन जितना अधिक निरीक्षण किया जाए तो उसका विकास है उत्तम होता है और भावी जीवन उसका सुखमय बनता है। जन्म के उपरांत नवजात शिशु के भार उसके अंग प्रत्यंग उसकी गतिविधियों में 5 वर्ष तक की अवस्था में परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास के साथ साथ इनमें स्थायित्व भी आने लगता है। इस अवस्था को समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट की अवस्था भी माना जाता है, कि शैशव अवस्था को निर्माणकारी अवस्था या बालक का निर्माण काल कहा जाता है, और दूसरी बात इसी अवस्था को समायोजन काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु की जो देखभाल है नए वातावरण में उस बालक का समायोजन उसके माता पिता के द्वारा किया जाता है, उसे इस काल को हम समायोजन का काल कहते हैं। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग जो प्रमुख संवेग हैं उनका विकास हो जाता है, जैसे कि प्रसन्नता क्रोध हर्ष प्रेम घृणा आदि जो संवेग हैं विकसित हो जाते हैं। यह जो अवस्था है यह संवेग प्रधान अवस्था भी होती है। हम आगे देखते हैं शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं में पहली जो विशेषता है वह है शारीरिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था के जो प्रथम 3 वर्ष हैं वह शिशु के शारीरिक विकास की तीव्रता को दर्शाते हैं। 3 वर्ष के पश्चात शारीरिक परिवर्तन की गति कुछ मंद पड़ जाती है, और इस अवस्था में शिशु की जो इंद्रियां हैं कर्मेंद्रियां हैं या आंतरिक अंग है मांसपेशियां हैं इनका क्रमिक विकास होने लगता है। दूसरी बात मानसिक विकास में तीव्रता। शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान स्मृति कल्पना शक्ति संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तीव्र गति से इस अवस्था में होता है। 3 वर्ष तक की अवस्था में शिशु की मानसिक शक्तियां जो हैं वो कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। तीसरी बात है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में इस अवस्था में बहुत तीव्रता होती है, वह हर बात को बहुत बहुत जल्दी जल्दी सीखने लगता है और हर आवश्यक बात वह इस काल में सीख लेता है। चौथा है कल्पना शक्ति की सजीवता। कल्पना की सजीवता से आशय है कल्पनाशील बातों को वास्तविक मान लेना। 4 वर्ष का जो बालक है उसमें कल्पना की सजीवता पाई जाती है, वह सत्य व असत्य में अंतर नहीं कर पाता है, परिणाम स्वरूप हमें वह असत्य भाषी दिखाई देता है। वह अपने शोध अपने प्रबंधन और अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लगता है। 5वीं विशेषता है दूसरों पर निर्भरता। नाम से स्पष्ट है कि बालक जन्म के तुरंत बाद तो कुछ करने में सक्षम होता नहीं है, वह घर के या परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है। जन्म जब लेता है बच्चा तो वह असहाय स्थिति में रहता है, उसे भोजन या अन्य शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है, साथ में उसे दूसरों के प्रेम और सहानुभूति के लिए भी दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। 6वीं विशेषता आत्म प्रेम या आत्म मोह की भावना। देखिए शिशु अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी आदि का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, किंतु साथ ही वह यह भी चाहता है कि प्रेम उसके अलावा किसी और को न मिले। तो आपने देखा होगा यदि और किसी के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है तो शिशु को उससे ईर्ष्या होने लगती है, उससे वह घृणा करने लगता है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि वह स्वयं सुरक्षित रहना चाहता है, यदि उसके बराबर के कोई अन्य शिशु हैं या अन्य बालक उसके साथ में रहते हैं तो वह उन्हें कब ढकेल दे कब उन्हें चोट पहुंचा दे इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।
इससे यह बात साबित होती है कि उसके अंदर या आत्मा की भावना कूट कूट कर पाई जाती है। सातवीं शैशवावस्था की विशेषता यह है, नैतिकता का अभाव। शिशु को अच्छी बुरी उचित अनुचित बातों का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है, उसे जहाँ पेशाब करना है वह कर देता है, साथ ही वह उन्हीं कार्यों को करता है जिसमें उसे आनंद आता है। आठवीं विशेषता यह है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। इस शिशु के अधिकांश व्यवहारों का जो आधार है उसकी मूल प्रवृत्तियाँ ही होती हैं। यदि बालक को भूख लगती है तो वह किसी वस्तु को अपने मुंह में डालने लगता है, और यदि उस वस्तु को छुड़ा ली जाए तो वह रोने लगता है। तो इस तरह उसका जो व्यवहार है मूलभूत प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। नौवीं विशेषता क्या है, सामाजिकता की ओर अग्रसर। शिशु इस अवस्था के अंतिम चरण में अर्थात 4-5 साल की अवस्था में उसके अंदर जो है सामाजिक भावना का विकास होने लगता है, जैसे कि अपने हम उम्र बालकों के साथ खेलना, अपने भाई बहनों के प्रति रक्षात्मक व्यवहार का रखना आदि इस बात की ओर संकेत करता है कि उसके अंदर सामाजिकता की भावना आने लगती है, अर्थात वह समाज के दूसरे लोगों के साथ में परस्पर संबंध स्थापित करने लगता है। दसवां है रुचि या अरुचि का प्रदर्शन। शिशु में दूसरे बालकों के प्रति रुचि या अरुचि उत्पन्न हो जाती है। बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है, अर्थात वह किसी साथ खेलना चाहता है तो किसी साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहता है। आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, किंतु शीघ्र ही यह अधिक निश्चित रूप धारण कर लेती है और रुचि और एवं अरुचि के रूप में यह बात प्रकट होने लगती है। शैशवावस्था की 11वीं विशेषता क्या है, संवेगों का प्रदर्शन। बालक जो है 2 वर्ष की अवस्था में उसके अंदर संवेगों का विकास होने लगता है। संवेग किसे कहते हैं, हर्ष है, दया है, करुणा है, क्रोध है, प्रेम है, ये सब क्या है, संवेग है। तो बाल मनोवैज्ञानिक जो है इन्होंने शिशु के अंदर 4 प्रमुख संवेग बताए हैं। कौन कौन से 4 प्रमुख संवेग, भय, दूसरा क्रोध, तीसरा प्रेम और चौथा पीड़ा। तो मनोवैज्ञानिक ने 4 संवेगों के बारे में जानकारी दी है। अगली जो विशेषता काम भावना, तो काम भावना के अंदर देखिए बाल मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, किंतु वह वयस्कों के समान अपनी काम भावना को प्रकट नहीं कर सकता। शिशु का माता के स्तन को स्तनपान करना, यौनांगों को स्पर्श करना आदि ये उसकी काम प्रवृत्ति की ओर इंगित करते हैं, किंतु बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि शिशु के अंदर जो कुछ सहज प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें काम का सूचक बिल्कुल नहीं माना जा सकता, अतः शिशु के अंदर जो कामेच्छा की भावना को हम नकार सकते हैं, अतः यह जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ये विशेषता हो। 13वीं विशेषता क्या है, दोहराव की प्रवृत्ति। बालक के अंदर दोहराव की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात शिशु में शब्दों एवं विभिन्न गतिविधियों को बार बार वह पुनरावृत्ति करता है, दोहराता है। वह जो सब सुनता है या जो गतिविधि देखता है वह उसी को बार बार करने लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि बालक के अंदर दोहरा प्रवृत्ति पाई जाती है। 14वीं विशेषता की जिज्ञासा की प्रधानता। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का बाहुल्य होता है, अर्थात उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। आपने देखा होगा कि शिशु अपने खिलौनों को उलट पलट कर देखता है, उनसे खेलता रहता है, कभी कभी तो खिलौनों को या अन्य वस्तुओं को तोड़ फोड़ देता है और उसके अंदर क्या है यह देखता है। कभी कभी अपने से बड़ों से कई तरह के प्रश्न पूछता है। इस बात से यह स्पष्ट है कि बालक के अंदर जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है वह कूट कूट कर भरी होती है, वह हर बात के बारे में जानना चाहता है। 15वीं विशेषता यह है कि अनुकरण कर सीखने की प्रवृत्ति। शिशु की जो प्रवृत्ति जो है वह अनुकरण करने की होती है, वह अपने माता पिता या अपने भाई बहनों के विभिन्न कार्यों को देखकर वह उसी तरह के कार्य करने लगता है। जैसे कि शिशु के बड़े भाई बहन या बड़े लोग अगर पुस्तक पढ़ते हैं तो वह भी पुस्तक पढ़ने या लिखने की नकल करने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक के अंदर अनुकरण करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। और अंतिम विशेषता खेल प्रवृत्ति। शिशु में स्वभावतः खेल प्रवृत्ति पाई जाती है, वह अकेले या हम उम्र शिशुओं के साथ में विभिन्न प्रकार के खेल दिन भर खेलते रहता है। वह चुपचाप बिल्कुल बैठा नहीं रह सकता, खेल में उसकी महान रुचि रहती है और उसे महान आनंद की अनुभूति होती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम पे एक नजर डाल लेते पुनः। देखिए अवधि क्या है, जन्म से 5 वर्ष अर्थात 0 से 5 वर्ष तक इसकी अवधि है। दूसरी बात, इस अवस्था को क्या क्या कहा जाता है, निर्माण काल या निर्माणकारी अवस्था या बालक का निर्माण काल कहा जाता है। दूसरी बात, इसी अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। और तीसरी बात, यह अवस्था संवेग प्रधान अवस्था कहलाती है। फ्रायड ने क्या कहा है कि मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। इस अवस्था के प्रमुख संवेग कौन से हैं, प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा इत्यादि, ये शैशवावस्था के प्रमुख संवेग हैं।